नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अस्थियां लेकर किसान आज कांधला पहुंचे, जहां दर्जनों किसानों ने शहीद किसानों की अस्थियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान किसानों ने कहा कि अस्थियां उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होते हुए शुक्रताल में विसर्जित की जाएगी। इस मौके पर किसानों ने तीनों कृषि काले कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान 5 किसानों की मौत हो गई थी। आज उन 5 शहीदों की अस्थियां लेकर किसान शामली जाते हुए कांधला बस स्टैंड पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने किसानों ने शहीद किसानों की अस्थियों पर पुष्प वर्षा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान किसानों का कहना था कि किसान पिछले 11 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, किंतु सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तथा एमएसपी की गारंटी नहीं देती, तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा। अजी, आज जो है हमारे जो किसान शहीद हो गए थे लखीमपुर खीरी में, गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा कुचल के मार दिए गए थे, उन किसानों के अस्थि कलश जो है वे आज जो है यहाँ कांधला बस स्टैंड पर पहुँचा और यहाँ के क्षेत्र के किसान जो है इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये अस्थियाँ कहाँ से लेकर चले थे और कहाँ पे विसर्जित होंगी? ये अस्थियाँ लखीमपुर खीरी के उन किसानों की है, लखीमपुर खीरी से चली थी और पूरे देश में जो है 75 कलश थे पूरे देश में ये जो है होते हुए, और आज ये एक अस्थि कलश जो है हमारे यहाँ पहुँचा। कहाँ विसर्जित की जानी है जी? कहाँ विसर्जित हो गई है? ये शुक्रताल जाएंगी। अच्छा अच्छा, और ये शामली मुजफ्फरनगर होते हुए शुक्रताल। कितने किसानों की अस्थियाँ हैं? ये 5 किसानों की अर्थियां हैं, जो अस्थियां 5 किसानों की हैं। क्या लगता है कृषि कानून को लेकर 11 महीने हो गए हैं धरना दे रहे हैं किसान, क्या सरकार किसानों की बात मानेगी? इतने इन किसानों के कातिलों को सजानी होगी और हमारे तीनों कृषि कानून जो है वे वापिस नहीं होंगे, एमएसपी को गारंटी नहीं बनेगी और हमारे किसानों के जितने भी जो किसान विरोधी कानून बनाए हैं उन पे गौर नहीं गवर्नमेंट करेगी तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। एक सीघू बॉर्डर पे पीछे दिनों एक युवक की मौत भी हुई है, हत्या बताई जा रही है, सब टांग दिया गया, वो क्या पूरा मामला है? तो हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, यहाँ तो रोज हत्याएं होती है। इस सरकार की लचर कानून व्यवस्था जो है यहाँ के गृह मंत्री के हाथ में व्यवस्था है। जब यहाँ का गृह मंत्री जो है क्रिमिनल बनाए जा, जिस तरह जो है हमारे राज्य गृह मंत्री भी और केंद्रीय गृह मंत्री भी, मतलब लखीमपुर हिंसा के जो आरोपी है उन पर क्या सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, उनसे क्या खुश है किसान? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सरकार तो कह रही है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार तो झूठ पे झूठ बोलने का काम करती है, सरकार तो झूठ बोल रही है। क्या सरकार किसानों के साथ बातचीत करने को ले तैयार है? किसान तो हरदम जो है तैयार है, सरकार जो है वो धर्मिता पाई हुई है और हमारे नेताजी ने कह दिया, राकेश टिकैत जी ने, कि अगर दिमाग ठीक हो गया हो सरकार का तो बातचीत कर ले, नहीं जब ठीक हो जाएगा तब बातचीत कर लेना। तो कब तक धरना चलेगा आपका? धरना जब तक चलेगा जब तक जो है किसानों की मांग नहीं मान ली जाएगी।